हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम किया था। अब हम उससे आगे के टॉपिक करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और इसके अलावा भी कई टॉपिक होंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एन पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स। अगर हमारे पास तीन पार्टिकल हैं, उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? देखिए, consider that three particles of masses m1, m2, m3 are lying at points x1, y1, x2, y2 and x3, y3 respectively. Then the center of mass of the system of these three particles lie at a point whose coordinate x, y are given by. अब देखिए, हमारे पास जो system है वो तीन particle का है, उनके coordinate हमें दे रखे हैं, तो जो उनका सेंटर ऑफ मास बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो दोनों कैसे निकलेंगे, देखिए ये फॉर्मूले हैं। एक्स हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ऐसे ही वाई हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और इसमें भी अगर तीनों पार्टिकल एक जैसे हों, जैसे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, तो इसमें क्या होगा, सब में m1 m2 m3 की जगह m ले लेंगे, ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यही सेम प्रोसेस, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये आपके पास उन तीन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास आ गया जिनके मास एक जैसे हैं। अब द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल कंसाइड्स विद द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज पार्टिकल्स। द रिजल्ट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी जनरलाइज्ड टू अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। देखिए, ये जो हमने तीन पार्टिकल किए थे, अगर हम ये मान लें कि ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं, तो उन ट्रायंगल की जो सेंट्रोइड आएगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसी रिजल्ट को हम n पार्टिकल के लिए अगर जनरलाइज करें, ये तो तीन पार्टिकल थे, n तक चले जाएं, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ सच ए सिस्टम इज एक्स वाई जेड, क्योंकि वो हम थ्री डायमेंशनल लेके चल रहे हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, ये आ जाएंगे। एक्स तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एम आई एक्स आई बाई टोटल मास m, y आ जाएगा समीशन वाई आई एम आई बाई टोटल मास m, और z आ जाएगा समीशन एम आई जेड आई बाई टोटल मास m। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी हैविंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहाँ पे तो क्या था, हमारे पास जो मास थे वो अलग अलग पड़े थे, कोई m1 कोई m2 कोई m3, लेकिन मान लिया एक रॉड है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाला ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से कोई भी सॉलिड बॉडी होगी, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज इट्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। सो इस तरह की बॉडी के लिए जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। जैसे इन ऑर्डर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी हैविंग कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वी डिवाइड द बॉडी इंटू एन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ मासेस डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3 एंड डेल्टा mn। हम क्या मान लेते हैं, उस पूरी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों में काट देते हैं जिनके मासेस क्या क्या हैं, डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3 और कहां तक, डेल्टा mn तक। अब मान लिया x1, x2, x3 अप टू xn आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वेरियस पार्टिकल, देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय। अब मान लिया उनके जो पार्टिकल जिनके मासेस हमने डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3 लिए थे, उनके सेंटर ऑफ मास जो है वो x1, x2, x3 और xn पोजीशन पे हैं, तो पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल दिया जाएगा, डेल्टा m1 x1 डेल्टा m2 x2 डेल्टा m3 x3 प्लस डेल्टा mn xn डिवाइड बाय टोटल मास। तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू समीशन डेल्टा mi xi बाय डेल्टा mi। अब ध्यान दीजिए, फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस
n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हेंस डेल्टा m i अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि जब ये पार्टिकल बहुत सारे हो जाते हैं तो हर पार्टिकल का जो मास है वो बहुत कम हो जाता है, जीरो को अप्रोच करता है। तो इसलिए व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जब n जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनका जो मास है वो जीरो को अप्रोच करेगा यानी कि मास बहुत कम हो जाएगा। और जब भी ये कंडीशन होती है तो ये जो आप समीशन देख रहे हैं ये समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, यानी कि समीशन जो है वो बड़ी बॉडीज की कम बॉडीज को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बॉडीज का साइज कम हो जाता है तो उनका नंबर बढ़ जाता है, तब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम, या फिर अगर इसको लिमिट में करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यानी कि जब हम इस समीशन वाली वैल्यू पे लिमिट लगाते हैं, व्हेन लिमिट डेल्टा एम आई अप्रोचेस टू जीरो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। नीचे इंटीग्रेशन डीएम दैट इज टोटल मास, हेयर x is the distance of the elementary portion of the mass dm of the body. तो dm mass का जो elementary body है उसका जो distance है, center of mass है, वो x है। तो integration dm को capital M यानी कि total mass of body लिखा जा सकता है। अब integration dm को capital M लिखा, वो बाहर आ गया, तो x is equal to आ गया 1 by m integration x dm, इसे equation number 1 कह देते हैं। सिमिलरली y और z कोऑर्डिनेट के लिए भी हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाय m इंटीग्रेशन y dm इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से z इज इक्वल टू 1 बाय m इंटीग्रेशन z dm इक्वेशन नंबर 3। इफ द ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज एट द सेंटर ऑफ मास, अगर मान लिया आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करेगा तो x भी 0, y भी 0, z भी 0। इन दैट केस इंटीग्रेशन x dm, इंटीग्रेशन y dm, इंटीग्रेशन z dm तीनों 0 हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर r। मान लिया r पोजीशन वेक्टर है और एलिमेंट्री पोर्शन है जिसका मास dm है, तो पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास अगर उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर हो तो कैपिटल आर वेक्टर 1 इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 बाय एम इंटीग्रेशन आर वेक्टर डीएम। यहां जो स्मॉल आर वेक्टर है वो जो स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और कैपिटल आर जो है वो पूरी बॉडी का, ये जो आप डिफरेंस देखिए, ये जो कैपिटल आर है ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और ये जो आर वेक्टर है ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसका हम सेंटर ऑफ मास उसकी मोशन स्टडी करेंगे और लीनियर मोमेंटम स्टडी करेंगे। देखिए consider a system of n particles of masses m1, m2, m3 up to mn. Suppose r1 vector, r2 vector, r3 vector up to rn vector are the position vectors of n particles with respect to the origin of the coordinate axis. Then the position vector capital R of the center of mass of the system is given by, अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनके अलग अलग पोजिशन वैक्टर्स हमें पता हैं, मान लिया वो r1, r2, r3 है, उनके मासेस m1, m2, m3 है, तो पूरी बॉडी का या पूरे सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कैपिटल R से शो किया गया है, और ये होता है r वेक्टर इज इक्वल टू m1, r1 प्लस m2, r2 प्लस m3, r3 अप टू mn, rn बाय टोटल मास। टोटल मास को हमने यहाँ कैपिटल M से शो कर दिया है नेक्स्ट इक्वेशन में। अब कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अप टू mn इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, या फिर हम इस m को इधर ले आते हैं तो m r is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn rn, इसको equation number 1 मान लेते हैं।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, एम डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एम वन डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू बाई डी टी प्लस एम थ्री डी आर थ्री बाई डी टी अप टू एम एन डी आर एन बाई डी टी, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाती है। अब अगर मैं आर वेक्टर को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मान लूं, तो डी आर बाई डी टी को कैपिटल वी, या पूरी बॉडी की वेलोसिटी कह लो इसको, या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी वेलोसिटी पूरी बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में जाएं, तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट हूज मोशन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द होल बॉडी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कह लो या बॉडी की वेलोसिटी कह लो, वो एक ही बात है, तो उसे हम कैपिटल वी से शो करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो वी, ये जो डी आर वन बाई डी टी है इसे वी वन लिख देते हैं, डी आर टू बाई डी टी वी टू, इस तरह से डी आर एन बाई डी टी वी एन हो जाता है, ये अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटीज हो जाती हैं। सो एम वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू एम एन वी एन। अगेन इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये देखिए, जो एम वी है वो पूरी बॉडी का मोमेंटम है, एम वन वी वन पहले पार्टिकल का मोमेंटम, एम टू वी टू दूसरे पार्टिकल का, ऐसे ही nth पार्टिकल का मोमेंटम एम एन वी एन है, यानी कि जो नेट मोमेंटम होता है वो अलग अलग पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का सम होता है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम वन डी वी वन बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू बाई डी टी प्लस एम थ्री डी वी थ्री बाई डी टी अप टू एम एन डी वी एन बाई डी टी, इसे इक्वेशन नंबर फोर नाम दे देते हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाता है डी वी वैक्टर बाई डी टी, इसको ए वैक्टर कह देते हैं, तो डी वी वन बाई डी टी ए वन, डी वी टू बाई डी टी ए टू, डी वी एन बाई डी टी ए एन, ये अलग अलग पार्टिकल के एक्सेलरेशन हो जाते हैं। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं ऊपर, सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फोर वी ऑब्टेन एम ए इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अप टू एम एन ए एन, या फिर एम ए इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन, इसको इक्वेशन नंबर फाइव कह देते हैं, जहां पे एफ वन है एम वन ए वन, एफ टू है एम टू ए टू अप टू एन तक। अब अगर एफ जो है वो टोटल फोर्स है पूरे सिस्टम के ऊपर, तो एफ जो है वो इन सब का सम हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन, इसको इक्वेशन नंबर सिक्स कह देते हैं। फाइव और सिक्स को देखें तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स वी ऑब्टेन एफ इक्वल टू एम ए, अब द फोर्स एफ इंक्लूड्स द एक्सटर्नल फोर्सेस एफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस एफ इंटरनल। अब देखिए यहां पे ये जो एफ ई एक्स टी है ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, एफ आई एन टी है ये टोटल इंटरनल फोर्स है, ये जो हमारा एफ है जिसको हमने यहां पे लिखा है ये इन दोनों को कंबाइन करके आता है, यानी कि नेट इंटरनल प्लस नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल फोर्स। तो F इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी प्लस एफ आई एन टी, इसको इक्वेशन नंबर एट कह देते हैं, द इंटरनल फोर्सेज बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कैंसिल आउट प्रोवाइडेड द फोर्स आर सेंट्रल इन नेचर। देखिए जो इंटरनल फोर्सेज हैं अगर वो सेंट्रल हैं, सेंट्रल का मतलब होता है दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगे, यानी कि दोनों सेंटर टू सेंटर अगर फोर्स लगते हैं तो उनका जो नेट सम होता है वो जीरो होता है, यानी कि नेट इंटरनल फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो केवल क्या बचा, एफ एक्सटर्नल बचा, यानी कि जो एम ए है वो केवल एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। नेट फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ओनली एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल जो है वो आपस में कैंसिल कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स एज इफ ऑल द मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास एंड
all external forces acting on the system are applied directly at this point. क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब हम पूरी बॉडी का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हुआ मान सकते हैं, जिसको बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और अगर बॉडी पे अलग अलग जगह पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सबका सम एक ही फोर्स हम मान सकते हैं, और वो फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।